नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है तुला राशि के जातक जातिका के लिए 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक थोड़ा सावधानी बरतने का आपको ये संदेश पहुंचा रहे हैं और ये ऑडियो वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता रहे हैं। दोस्तों, यदि अभी तक किसी ने हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई ज्ञानवर्धक ऑडियो वीडियो समय समय पर देखने के लिए मिलती रहे। दोस्तों, यदि आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप नीचे हमारे वेबसाइट पर जाइए, जिसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारी जानकारियां विस्तार से मिलेंगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने चाहूँगा, जितने भी तुला राशि के जातक जातिकाएँ हैं उनके लिए हम पिछली जो वीडियो हमने डाली है अगस्त की, उसमें हम ये बात को नहीं बता पाए हैं, लेकिन हम इसमें आप लोगों को ज़रूर बताना चाह रहे हैं कि ये बहुत ही ज़रूरी है। जितने भी तुला राशि के जातक जातिकाएँ वो थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि वो किसी जैसे कि जातिकाएँ हैं, अगर जातिकाएँ हैं, लड़कियाँ हैं, जो किसी से लड़के से प्यार करती हैं तो थोड़े प्यार में सावधानी बरतें और थोड़ा सा सचेत रहने की कोशिश करें, क्योंकि किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है या कोई बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। या फिर सबसे ज़्यादा खासकर उनको सावधान रहना है, उन लड़कियों को, उन औरतों को जो तुला राशि की जातिकाएँ हैं, जो शादी होने के बाद भी अपने पति के होते हुए भी किसी गैर मर्द या पराए पुरुष से थोड़ा संबंध बनाकर रखती हैं, दोस्ती रखती हैं, तो उसकी वजह से आपके मान सम्मान को ठेस पहुँच सकती है। तो आप ऐसे व्यक्ति से थोड़ा बचे रहें, क्योंकि वो आपका मान सम्मान नहीं कर पा रहा है इस वक्त, यदि वो आपका सम्मान कर भी नहीं देगा, क्योंकि वो आपको चोट पहुँचाने की कोशिश करेगा और आपका खामखा समय खराब करने की कोशिश करेगा। तो ये जो लड़कियां हैं तुला राशि की, ये शादी जिनकी हो चुकी हैं, जो महिलाएँ हैं, वो अपने पति के होते हुए पराए पुरुष से थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि वो आपकी मान को, सम्मान को ठेस पहुँचा सकते हैं। आप हो सके तो उसे बच जाइए, उससे दूर हो जाइए और तुरंत उससे हट जाइए, यानी उसको छोड़ दीजिए। आप यदि उससे दूर हो जाएंगे तो आपके लिए और आपके परिवार के लिए सुखकारी रहेगा, वरना आपकी जिद, आपकी ये लापरवाही आपको नुकसान पहुंचा सकती है। खासकर मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनकी शादी हो गई है, लड़के लड़कियों की तुला राशि के, लेकिन थोड़ी सी अनबन उनमें भी हो सकती है। जो नए लड़के लड़कियाँ जिनकी शादी नहीं हुई है, उनके भी प्यार में थोड़ी सी हो सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो परेशानी आने वाली है 1 अगस्त से 10 अगस्त तक, वो उनकी आएगी जो तुला राशि के लड़के लड़कियों की शादी होते हुए भी हैं, पराए स्त्रियां हैं तो पराए मर्द के साथ संबंध बना रही हैं, और जो पुरुष हैं शादी होने के बाद, पत्नी होने के बाद भी पराए स्त्री से अपने संबंध बना रहे हैं, तो वो तुला राशि के जो लड़के हैं वो भी थोड़ा सावधान रहे। जिनकी शादी हो चुकी है वो पराए स्त्री से थोड़ा मेल कम कर दे, वे हो सके तो उसे छोड़ दीजिए और उससे दूर हो जाइए, क्योंकि उससे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको नुकसान पहुँच सकता है, परेशानी आ सकती है। दोस्तों, ये ज्ञान की बात है, बहुत ही सटीक और सत्य से भविष्यवाणी है, इसे दिमाग में रखकर और समय को संयम के साथ गुजारने की कोशिश करें और सावधानी से अपना समय गुजारें। ये ही संदेश मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहा था। ये मेरी ओडियो वीडियो जो मैं डाली थी अगस्त में नहीं बता पाया, दोस्तों इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैंने आप लोगों को ये बात सत्य है जो मैंने आपको बताई है इस ऑडियो वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, यदि आपको मेरी ऑडियो वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक एंड शेयर करना और कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजना। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा और आपसे करना चाहूँगा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।